नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो पर। और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये है अफीम काला सोना। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ये जो फसल है बड़ी प्रसिद्ध है, आप सब इसके बारे में जानते हैं। और इसके कई सारे उपयोग है, चिकित्सीय उपयोग भी है, मार्फिन के लिए इसकी खेती खासकर की जाती है और बड़ी सख्त निगरानी में, भारत सरकार की निगरानी में इस खेती को करना होता है। तो इसके किस तरह से इस खेती को किया जाए और क्या क्या इसके चरणबद्ध तरीके होते हैं, तो आज मैं आया हूँ रतलाम ज़िले के पिपलोदा तहसील में। नवेली एक गाँव है और यहाँ के किसान हैं मनोहरलाल जी पाटीदार, ये उनका प्लॉट है। तो इसके बारे में उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस खेती को करने में क्या क्या चरणबद्ध तरीके होते हैं। तो आइए आपको उनसे मैं मिलवाता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आपका शुभ नाम बताइएगा और हम बात करेंगे इसकी खेती के बारे में। मनोहरलाल पाटीदार, नवेली जी। तो बताइएगा कि ये खेती किस तरह से हम शुरुआत करें। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी भूमि का चुनाव हम कैसे करेंगे, अगर क्योंकि सबसे पहली स्टेज वही होती है। काली मिट्टी में ये अच्छी होती है। काली मिट्टी जल्दी सूखनी चाहिए, फिर पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी भरा हुआ में फसल बिगड़ती है। इसके खेती के लाइसेंस के लिए कम से कम कितनी भूमि की आवश्यकता जरूरी है? 10 आरी तो अभी दे रही है शासन। 10 आरी में हम अगर बीघे में बात करें तो लगभग आधा बीघा इसके लिए जरूरी होता है। अच्छा, इसमें आप जब खेती की शुरुआत करिए, फसल की शुरुआत करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे बीज है या कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं किसान लोग, और आपके खेत में ये कौन सी प्रजाति आपने लगाई है? बीज तो वैसे काफ़ी तरह के आते हैं जी, लेकिन अधिकतर जवार 16, राजहंस जी जी, ये लोगों के मनपसंद है। मनपसंद है मतलब इनके जो क्वालिटी अच्छी बैठती है जी, जिससे दाना भी अच्छा निकलता है खसखस, और उसके बाद जो है मार्फिन भी सही बैठती है। आपकी ये कौन सी है प्रजाति आपने जो खेत में लगा रखी है? ये है अपने जवार, राजहंस। राजहंस अपनी प्रजाति यहाँ पर लगा रखी है। तो इसकी जब शुरुआत करते हैं तो इसका बीजों का उपचार करना भी आवश्यक होता होगा? जी हाँ, करते हैं। बीज उपचार भी जरूरी है, हर फसल के लिए जरूरी होता है, तो इसके लिए भी। तो आपके खेत में आपने राजहंस प्रजाति लगवा रखी है, तो इसका बीज उपचार भी हमने बात कर ली। अब बीजों की जो संख्या होती है, पौधों की संख्या जो होती है, वो कितनी होनी चाहिए छिड़काव के बाद, और छिड़काव करने के बाद, और किस तरह से इसका आप निर्धारण करते हैं? इसकी दूरी रखी जाती है। अच्छा अच्छा, छिड़काव करने के बाद में अपन जैसे पौधा बड़ा होता है उसमें 3 इंच 4 इंच कोई 6 इंच भी रखते हैं। अच्छा, जितनी दूरी होगी उतना उसका पौधा मजबूत बनेगा। अच्छा, इनके बीच में दूरी होना जरूरी। हाँ, लगभग प्रति वर्ग मीटर की अगर बात करें तो 40 पौधे। हाँ, 40 पौधे इसमें, 40 से 45 पौधों की यहाँ पर संख्या निर्धारित कर सकते हैं हम। अच्छा, बोनी का समय क्या निर्धारित करते हैं आप, कब इसको बोना? अक्टूबर में। अक्टूबर के लास्ट वीक में मतलब तापमान के अंदर कमी आ जानी चाहिए, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर का होना 20-25 डिग्री होना जरूरी है, ताकि ये फसल सही तरह से हम ग्रोथ करवा पाए। अच्छा, इसमें खाद और उर्वरक की अगर बात की जाए तो कब कब देना होता है, कितने प्रकार के खाद इसमें दिए जाते हैं? लगभग शुरू कोरी जमीन में खाद ज़्यादा दिया जाता है, उसके बाद में फिर जैसे ही ग्रोथ उसकी मतलब पौधा बड़ा होता है उसके बाद उसको 2-3 बार में देते रहते हैं। अच्छा, कौन कौन से खाद, जैसे पोटास वगैरह? शुरू स्टार्टिंग में तो पोटास जी 12-32, और उसमें कुछ लोग यूरिया भी मिलाते हैं। अच्छा, सल्फर और जिंक सल्फेट वगैरह भी देना ही, ये भी दिए जाते हैं ना। अच्छा, इसमें पानी की कितनी आवश्यकता लगती है, कब तक सिंचाई करना इसके लिए जरूरी है? इसमें प्रथम सिंचाई करने के बाद में कोई 5 दिन में पिलाते हैं, कोई 7 दिन में पिलाते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद में धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, उसको पिलाते रहते हैं। बीच में कुछ फिर गैप भी देना पड़ती है 20 दिन की भी। अच्छा, जैसे 20 दिन की गैप देने से पौधा थोड़ा छोटा रहता है, और ज़्यादा बड़ा हो जाता है फिर बांधने में दिक्कत रहती है उसको। अच्छा, आप ये देख भी पा रहे हैं कि ये जो फसल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर सलिया और रस्सी की सहायता से इसको सपोर्ट किया गया है, और इसके बाद इसमें हम अगर छटाई, निंदाई, गुणाई की बात करें तो ये कितने जरूरी है? छटनी कितनी बार की जाती है? छटनी इसमें 3 बार होती है। 3 बार पौधों की छटनी की जाती है, स्वस्थ पौधा और उसकी क्वालिटी को देखकर छटनी इसकी की जाती है। अच्छा, इसमें रोग और इल्ली की समस्या कितनी बार आ सकती है? इसमें इल्ली तो बहुत कम आती है। अच्छा, अच्छा। डोड़े के समय में इल्ली आती है, और इसके पहले दूसरे रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें कभी मोयला आता है, काली मस्सी आती है, इसके लिए जो है अपने को
दवाई का समय समय पे स्प्रे दे जरूरी है। रोग में इसका जड़ के लिए भी नुकसान पहुंचाने के लिए दीमक वगैरह का भी हम यहाँ पे वो भी होता है, और इसके दो प्रसिद्ध रोग जैसे काली मसी और सफेद मसी, उसके रोकथाम के लिए भी कुछ दवाइयाँ हैं जो उसके छिड़काव करना जरूरी है। आमतौर पर एक आदर्श फसल अगर उगा ली जाए तो कितना लेटेक्स या दूध आप निकाल लेते हैं? 7 या 8 किलो दूध निकलता है, उसमें बात कर सूखता भी है। अच्छा अच्छा, और कितना गवर्नमेंट को देना जरूरी है, क्या मापदंड है उसके लिए? गवर्नमेंट को उसमें औसत उसकी अभी 60 के आसपास की तो औसत देना पड़ती है। 60? जी हाँ। अच्छा, 1 हेक्टेयर में 60। अच्छा, मतलब 10 आरी में लगभग आपको 6 किलो तो शासन को देना है। अच्छा अच्छा, इसके बाद आपकी क्वालिटी के हिसाब से भी बैठती है, अगर आपकी क्वालिटी फर्स्ट में गई है तो उसमें कोई कटिंग का चार्ज नहीं है जी, और सेकंड जाएगी तो उसमें 43 ग्राम पर किलो पे कटेगी। अच्छा अच्छा, अगर एक सवाल आमतौर पे आता है किसानों को आकर्षित करती है खेती, तो अगर कोई किसान चाहे कि इसको करना, किसान की अगर सोच हो तो क्या इसके लिए उसको क्राइटेरिया होता है? केंद्र शासन द्वारा निर्धारित है। अच्छा, केंद्र शासन ही जारी करती है इसको, तो नया किसान इसको करने की भी नहीं कर सकता है। केंद्र शासन के अधीनस्थ में जो आएगा और उनको अच्छा लगेगा उसी को ही प्रोसीजर के हिसाब से देते हैं। तो लाइसेंस भी निरस्त भी होते होंगे? होते हैं। तो उसके क्या, उसके पीछे क्या क्या कारण रहते हैं कि लाइसेंस उसका निरस्त हो जाए? या तो काश्तकार स्मगलिंग से जुड़ा हो। अच्छा अच्छा, उसको भी नहीं मिलेगा जी। या समय पर उसने अच्छी क्वालिटी की औसत नहीं दी है तो भी कटेगा। उसकी मार्फिन भी सही नहीं बैठती है तो भी कट सकता है। अच्छा अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना खर्चा आपको लग जाता है एक फसल को लगाने के बाद? जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये नेट आपने लगा रखी है, ये आप इस तरह से नेट की यहाँ पर जाली लगा रखी है, और ये सलिया रस्सी वगैरह सभी है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए कितना खर्चा आ जाता होगा? लगभग फर्स्ट में तो अपने को लगता है करीबन 60,000 से 70,000 का खर्चा है। 60 से 70,000 शुरुआत में लग जाता है। और उसके बाकी बाद फिर आपको जो है ये चीज़ पड़ी रहेगी, अगले साल फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वन टाइम निवेश है इसका। अच्छा, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ डोडे यहाँ पर, इसे डोडा कहा जाता है जी, तो इसमें ये खराब हो चुका है, तो इसका पीछे क्या कारण होगा? ये साइड वाली नेट हमने नहीं लगाई थी। अच्छा, तो ये पक्षी वगैरह इसको खराब करते हैं ना जी, खासकर तोते इसको खा जाते हैं, तो ये कुछ नुकसान भी यहाँ पर उठाने पड़ते हैं, कुछ डोडे यहाँ पर खराब दिख रहे हैं। ये घोड़े रोज की भी समस्या है, घोड़े रोज की वजह से जाली लगा रखी लोहे की। ये तो बहुत ही विकराल समस्या बन चुकी है क्षेत्र की, नीलगाय की समस्या, उसके लिए मजबूत जाली का यहाँ पर लगाना जरूरी होता है। ये कुछ डोडे यहाँ पर भी खराब निगरानी भी रखना पड़ती है। अच्छा, इसकी प्रोटेक्शन के लिए और बाकी काफ़ी चीज़ें इसके लिए देखना पड़ती है। 2 काश्तकार 3 काश्तकार जो है अपने आस पास में देखते हैं अपन कि भाई तेरे वहाँ की मैं निगरानी रखूँगा, मेरे यहाँ की भी, तो दोनों तीनों मिलकर जो है उसकी रात में निगरानी रखते हैं। अच्छा अच्छा, किसान साथियों, अभी ये वक्त आ गया है इस पर चीरे लगाने का, जिसे हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, नाड़ा लगाना। तो देखिए, आपको ये बताएंगे किस तरह से इसको लगाया जाता है। ये है इस तरह से, ये पत्तियों से बना हुआ है, इसमें तेज धार है, ब्लेड की धार जैसी जी इसको जो है इस पर लगाते हैं। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं इसमें, ये इसमें से दूध निकल रहा है, और इसे दिन में लगाया जाता है जी। ये एक और खास काला सोना यही है। तो इसे दिन में डेली लगाया जाता है 10 से 15 दिनों के लिए, और फिर इसे सुबह कलेक्ट किया जाता है। सुबह में कलेक्ट उपकरण बोलेंगे इसे। हाँ, हम ये उपकरण है, तो इसे यहाँ से इकट्ठा करने की प्रोसीजर होती है जो सुबह शुरू हो जाती है। ये इस तरह से इसको इकट्ठा किया जाता है, फिर बाद में इसके सफाई करते और इसको इकट्ठा करके जमा कर लेते हैं। तो ये प्रोसीजर आपने देखी, नाड़ा लगाना इसको कहते हैं, और ये डोडे में डेली दिन में लगाया जाता है। तो अभी ये शुरुआत हुई है इसकी, कितने दिनों में ये डोडे आ गए हैं? अक्टूबर महीने से शुरू, 10 दिन से 115 दिन में। अच्छा अच्छा अच्छा, 110 से 115 दिन, मतलब ये फसल देखा जाए तो 140 से 150 दिन की होती है। अच्छा, उसके बाद इसमें से पोस्त दाना निकलता है। इसके बाद जो है इसको जैसे ही सूखते रहेंगे, ये जो है पक जाएगा, पकने के बाद में इसको तोड़ लेंगे, ठीक है, इसमें से फिर दाने निकाल लेंगे, जिसे खसखस कहा जाता है, जो अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से फिर बिक्री होती क्वालिटी बनेगी। बाकी प्रकृति साथ दे तो, बाकी फिर शासन साथ दे तो, काफ़ी चीज़ें किसानों को यहाँ पर परेशान करती है, ये चुनौतियाँ हैं जिसके अंदर इनको हम खेती करना होती है किसान को। तो किसान भाइयों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ये एक प्लाट है अफीम का, इसके बारे में आपको हमने थोड़ी जानकारी बताने की कोशिश करी है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।